नमस्कार और आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव न्यूज। जैसा कि हम आपके बीच फिर से हाजिर हैं कई बड़ी खबरों के साथ, जो कि जिला चंपावत में विगत कई वर्षा के कारण लगातार एनएच सुचारू रूप से पूर्णतः खुलने में असमर्थ हो रहा है। जैसा कि एक दुखद घटना भी आपके सामने, जो कि कल एक कैंटर 7:30 बजे की एक घटना है, जो कि स्वाला में अचानक मलबा आने के कारण जो कि कैंटर बीच में फंस जाता है। वहीं दूसरी ओर जो कि ड्राइवर था वो अपनी जान जोखिम में डालते हुए कूद पड़ा और अपनी जान जैसे तैसे बच चुकी है उसकी जान। वहीं देखा जा रहा है जो कि कैंटर कई 500 मीटर खाई में जाके कई दूरी तक दिखाई नहीं दे रहा है, जो कि आप लाइव तस्वीरें मेरे साथ देख सकते हैं। इसी के साथ जो कि NH राष्ट्रीय राजमार्ग टनकपुर से चंपावत के बीच स्वाला में अभी भी लगातार लैंड स्लाइडिंग हो रही है। वहीं NH के कार्य और जो कि ऑपरेटर और अधिकारी लगातार प्रयास कर रहे हैं यातायात सुचारू करने के हेतु, वहीं लैंड स्लाइडिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। जैसा कि आप मेरे साथ सीधे लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, NH के अधिकारी और जो कि मशीन ऑपरेटर हैं, उन लोगों ने जो भी यात्री वहां पे मौजूदगी में फंसे हुए थे उन लोगों को निकालने के लिए प्रयास और जो कि पैदल मार्ग वहां पे अभी जो कि कर दिया गया है, जो कि आप मेरे साथ लाइव तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से आदमी पैदल जा रहा है, जो कि अभी कोई संभावना NH खुलने की नहीं लग रही है। जैसा कि सूचना के अनुसार NH खोलने की काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं NH अधिकारियों द्वारा, लगातार ऑपरेटर भी अपनी जान जोखिम में डालकर यातायात सुचारू पूर्णतः खोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम आपको अपडेट इसी तरीके से देते रहेंगे जीरो ग्राउंड में जाकर, जो कि आप सीधे लाइव तस्वीरें हमारे साथ देखते हैं जिला चंपावत की खबरों में, जो कि हम जीरो ग्राउंड को आपको अपडेट दे रहे हैं। जीरो ग्राउंड से जो हकीकत का सामना, जो आप मेरे साथ सीधे लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, जो कि स्वाला की किस तरीके से अभी शाम का 6 बजने को जा रहा है, तो लास्ट में एक ऑप्शन निकला जो यात्री फंसे हुए थे मौजूदगी में उनको पैदल मार्ग से अपने गंतव्य की ओर भेजा गया है। इसी के साथ हमारे साथ बने रहें पब्लिक लाइव न्यूज़ पर, हम आपके साथ कई बड़ी खबरों के साथ मिलते रहेंगे। जिला चंपावत से मैं विनोद जोशी, कैमरामैन त्रिलोक जी के साथ भी